Welcome to GDC classes. Now I'm here with GPAT 2011 questions. So let's take first question now. Which of the following forces contribute to the stability of charge transfer complex? Resonance forces, resonance and London dispersion forces, dipole interactions and London dispersion forces, resonance forces and dipole-dipole interaction. So let's see, pehle samjhenge what is charge transfer complex. When one molecule polarizes the other resulting in a type of ionic interaction referred as charge transfer complex. Example le to trinitrobenzene or benzene ka, वहां पर आप देख रहे हैं दिस इज बेंजीन दिस इज ट्राइनाइट्रोबेंजीन, तो ये एक एक्सेप्टर का की तरह से काम कर रहा है, ये एक डोनर की तरह से काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. बीइंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हियर ऑन दिस मॉलिक्यूल दिस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो यहां पर एक दोनों के बीच में एक रिलेशन कैसा हो गया, वो हुआ आयनिक इंट्रैक्शन और जिसको हमने कहा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स. सो हियर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट और पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय पोलराइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू पाई बॉन्डिंग. द रेजोनेंस बिटवीन चार्ज ट्रांसफर स्ट्रक्चर एंड अनचार्ज स्पीसीज इज मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप लाइक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस. यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो है यहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स. सो यहां पर आपको क्लियर है कि रेजोनेंस, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस है, और दूसरा जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे क्या होगा कि ये तो अपने आप में सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है, यहां भी इक्वल है इस रिंग पे, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होगा, दोनों के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, एक पॉजिटिव की तरह से काम करेगा, एक नेगेटिव की तरह से काम करेगा. तो यहां पर रेजोनेंस तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, लेकिन जो इंड्यूस डायपोल ऑल्सो is playing important role. तो अब आपका ऑप्शन, यहां से आपने समझ लिया है, अब अपने आप ही आप खुद क्लिक करेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या है. रेजोनेंस होगा एंड लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस. ध्यान देंगे रेजोनेंस एंड वहां पर जो समझाया है आपको, क्या समझाया है कि इंड्यूस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल का जो इंट्रैक्शन है वो भी रोल प्ले करता है इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स. यस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन इंड्यूस डाइपोल्स इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्सन फोर्स ओनली. तो हमारा बी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लोरिगोस्टेट एसिड इनटू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. करना है हाईएस्ट से लोएस्ट. यहां आपको दिया हुआ है क्या है, एथेनॉल है, वाटर है, एंड यहां पर आपको एल्कीन दिया हुआ है एक, एंड यहां पर एच करिए पूरा सीएच हो जाएगा, उसके बाद CH3NH2, दिस इज NH2. क्लियर. अब इनमें हमें सीक्वेंसिंग करना, तो पहले समझ लेंगे कि रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है. लेट्स सी, Bronsted, according to Bronsted-Lowry concept, acid is a substance which donate a proton while base proton acceptor. Clear? Picture से clear है. आज देखिए यहाँ ammonia क्या है, base की तरह से है, H2O acid की तरह से है, ammonia से क्या बन रहा है, NH4+ ion, ammonium ion बन रहा है, यहाँ water से क्या बन रहा है, OH- ion. यहाँ जो एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस मिलता है, जो इधर बेस होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड मिलता है. देखेंगे कि यहां कैसे मिलता है. अब यहां पर इसके पास जो अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या करता है, वो वाटर से उसका एक हाइड्रोजन ले लेता है.
जैसे ही यहां से लेगा तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा अमोनियम, और जैसे ही ये H प्लस H आयन लेता है तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहां OH पर, तो इधर कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो सिंपली अगर कहा जाए कि प्रोटोन एक्सेप्टर्स क्या है, बेसिस, प्रोटोन डोनर्स क्या है, एसिड्स, ब्रोंस्टेड एसिड्स। अब प्रोटोन और हाइड्रोजन में क्या कोई अंतर है, ध्यान देंगे, हमारे पास है यहां प्रोटोन, ये है एच आयन और इसी को हम प्रोटोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, 1H1 देखिए, दिस इज प्रोटियम, प्रोटियम से जब एक यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटोन है और न्यूट्रॉन तो जीरो है, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो अब इसके पास क्या बचा, एक ही प्रोटोन तो बचा है, इसीलिए एच पॉजिटिव आयन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब अमंग द ऑप्शंस गिवन वाटर इज हैविंग हाई टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटोन। अब यहां ध्यान देंगे, वाटर आपके पास है और एथेनॉल आपके पास है, यहां पर हमारे पास है CH3 CH डबल बोन CH एंड दिस इज NH2 CH3 NH2 हमारे पास अमीन है, तो अमीन्स आर नॉन फॉर द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो तो डोनेट ही करेगा और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को पिक करेगा, मतलब तो वो तो बेस की तरह से काम करने वाला है, तो वो तो सबसे लोवेस्ट नंबर पे आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर, दिस ऑल्सो पिक्स हाइड्रोजन, जब एल्कीन पर हम क्या कराते हैं, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, जनरली एल्कीन्स दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, ऐड होता है इसलिए, यानी कि वो H प्लस को रिसीव करता है, क्लियर, तो रिसीव करेगा तो वो किसकी तरह से बिहेव करेगा, बेस की तरह से, ब्रोंस्टेड बेस की तरह से बिहेव करेगा। अब आ जाइए वाटर और एथेनॉल में, तो वाटर एथेनॉल को कैसे कंपेयर करें, समझिए ध्यान से, क्योंकि जो हमारे पास आयन आता है C2H5O नेगेटिव इथॉक्साइड आयन, ये बहुत आसानी से वाटर से H पिक कर लेता है और यहां पर C2H5OH बन जाता है और ये OH नेगेटिव रिलीज हो जाता है, अलग हो जाता है। यहां से पता लगता है कि जो वाटर है वो एक बेटर प्रोटोन डोनर है, क्लियर, तो इसीलिए यहां पर सीक्वेंस हमारे पास हो जानी है, वाटर फिर एथेनॉल फिर हमारे पास एल्कीन था और उसके बाद क्या था, अमीन है, क्लियर। चलिए अब आप समझ गए हैं, यू क्लिक योर ऑन द करेक्ट आंसर। सो यहां पर सबसे पहला नंबर हमारा होगा आर का, उसके बाद R से कम है P और उससे कम है हमारे पास फिर एल्कीन, Q और उसके बाद है S, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन यहां पर आपको क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कीन शोड टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अभी हम इसी की बात कर रहे थे, इफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच टू वन ऑफ द कार्बन्स bearing the double bond, what will happen to the mechanism of the addition reaction? तो पहले समझ लेंगे एल्कीन पर कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एल्कीन पर प्रेजेंट हो तब मैकेनिज्म में क्या चेंज आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा है, समझ लेते हैं। The carbon-carbon double bond of alkene consists of sigma and pi bond. हमें पता है दो bond होते हैं, sigma pi bond होता है. An electrophilic addition reaction is a reaction in which substrate is initially attacked by the electrophile. ध्यान देंगे, क्योंकि जो alkene होता है, आप ध्यान देंगे, alkene हमारे पास double bonded है और जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है प्रेफरेबली ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, तो अभी क्या होता है, इधर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर इससे यहां पर आप देखेंगे उस तरह से कार्बोकैटायन बन जाता है, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर कार्बोनिल ग्रुप हो तो ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेफरेबली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को प्रेफर करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है दैट कम्स अटैक हियर दिस गोज हियर, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि एच आयन वहां पर एड होता है, क्लियर। ऐसा क्यों हुआ,
ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों दिया, क्योंकि यहां पर CO बॉन्ड पार्शियल जो है पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखे हुआ है दोनों एंड पर, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, और ये एक डाइपोल की तरह से काम करता है, कार्बन कार्बन एक पॉजिटिव सेंटर की तरह से काम करता है, इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो जाता है। क्लियर? तो अब आपके सामने है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, कहा गया है कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में किसी भी तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो बहुत अच्छा ग्रुप आपका NO2 ग्रुप है, अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही रहेगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा ये है। तो अभी जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो देखेंगे आप ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, अब इस कार्बन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई और उधर अवेलेबल हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल एच ही है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एच ही अवेलेबल है, तो अब इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हो जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा, यहां पर आप देखिए सी और यहां पर लग गया एच और यहां कार्बोकैटायन बना और अब यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप ही प्रेजेंट हो, तो भी जो मैकेनिज्म है हमारा एल्किन के साथ में वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही रहेगा। क्लियर? नाउ यू कैन क्लिक योर आंसर, यस इट रिमेन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ध्यान देंगे अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसके पास प्रोटॉन हो देने के लिए, एच हो, एप्रोटिक लेकिन वो पोलर है, जैसे वाटर पोलर भी है प्रोटिक भी है, है ना, और ऐसा कोई सॉल्वेंट जो पोलर है लेकिन प्रोटिक नहीं है, लाइक सिंपल से एग्जांपल एसीटोन है। अब आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ध्यान देंगे मैनिफोल्ड, कई गुना बढ़ा देता है, एनहांसमेंट इन द रेट ऑफ सच रिएक्शन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, किस इफेक्ट की वजह से है, क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सॉल्वेशन ऑफ द एनायन बाय द सॉल्वेंट लीविंग द कैटायन अनइफेक्टेड, solvation of both of the anic species, desolvation of the cation and solvation of the anion, next is solvation of the cation by the solvent leaving the anion unaffected, हमारे पास चार केसेस हैं। पहले समझते हैं कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेंट कैसे बिहेव करता है और क्या होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज DMSO हमारे पास है एंड DMF जो एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह से काम कर रहा है, एंड इवन सिंपल एसीटोन भी आप ले सकते हैं, यूज्ड इन SN2 रिएक्शन टू एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज एट्रिब्यूटेड ड्यू टू द एबिलिटी टू सॉल्वेट सोर्स सॉल्वेट द आयन स्पेशली एनायन, ठीक है, हाउएवर द सॉल्वेंट नेवर बिकम अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड हेंस डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो समझ लीजिए, पहले डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है जिसको हम कहते हैं DMSO, दूसरा हमने लिखा हुआ है DMF, DMF क्या होता है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ठीक है, HCO NH2 था, दोनों एच हटके CH3 लग गया है। क्लियर? इसके अलावा आप इसे भी देख सकते हैं, ये है एसीटोन, ये भी हमारा सॉल्वेंट है, पोलर है लेकिन एप्रोटिक है, हाइड्रोजन नहीं देता। अब ध्यान देंगे आप इस बात पर कि ये सॉल्वेंट सिंपली SN2 का रेट कैसे बढ़ाएगा, ठीक है, अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सपोज हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है NU नेगेटिव और ये सॉल्वेंट है, तो आप देख रहे हैं बीइंग पोलर यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो पोलर है, अब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब क्या होगा, इसके पास कोई प्रोटॉन तो है नहीं जो ये न्यूक्लियोफाइल उसको अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इस नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, अब ये इसके पास नहीं आता,
अब ये इसके पास यानी कि एनायन के पास नहीं आएगा तो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, और अब क्या होगा, ये तो बहुत स्पीड से जाएगा और अपने टारगेट को अटैक करेगा। क्लियर। इसके ऑपोजिट जैसे यहां ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये कैटायनिक स्पीशीज को सराउंड कर लेगा। ओके, जब हम एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पर कैटायन तो सराउंड हो जाएगा। अब कैटायन तो कैप्चर कर लिया गया, अब एनायन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और क्योंकि एनायन पर कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, कोई उसको जो है सराउंड नहीं करेगा, इसलिए स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर। सो अभी आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। सो चलते हैं, और अपना ऑप्शन है सॉल्वेशन ऑफ कैटायन, मैंने आपको बताया हो जाएगा तो उसका तो मोशन रिटार्ड हो जाएगा बाय द सॉल्वेंट लीविंग द एनायन, लीविंग द एनायन अनअफेक्टेड, और एनायन अनअफेक्टेड रहेगा, इसीलिए एनायन जो न्यूक्लियोफाइल है स्पीडली रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, चलिए। फाइव मेंबर्ड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड शो अ मच हायर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन द सिक्स मेंबर्ड वंस, दिस इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सो देयर आर फोर रीजंस गिवन हियर। सो कहते हैं फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैव हायर सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन द अदर, देन फाइव मेंबर्ड हैविंग लोअर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू सिक्स मेंबर, नेक्स्ट फाइव मेंबर आर स्मॉल साइज होते हैं देन द सिक्स मेंबर, सिक्स मेंबर हेट्रो एटॉमिक रिंग्स आर फ्लैट होते हैं और फाइव मेंबर वंस आर पकर्ड। सो पहले समझ लेंगे कि यहां क्या सिचुएशन है। फाइव मेंबर रिंग्स लाइक पायरोल, मैंने एग्जांपल लिया, और थायोफीन, पायरोल एंड थायोफीन डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, व्हाइल पिरिडीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन में तो आपसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है, अभी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां आपको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों चीजें समझ लीजिए कि जो फाइव मेंबर रिंग है पायरोल थायोफीन, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देते या बहुत हार्डली देते हैं, और जो पिरिडीन हमारा है जो एरोमेटिक होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, अब उल्टा देखिए, ऑन द अदर हैंड फाइव मेंबर्ड रिंग अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फाइव मेंबर्ड जो कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं देते लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। देन देते हैं क्यों? क्योंकि जो सिक्स मेंबर कंपाउंड्स हैं, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ हायर सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द रिंग इन फाइव मेंबर रिंग कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट बात समझने की है, एक तो सिक्स मेंबर रिंग है, एक फाइव मेंबर रिंग है, फाइव मेंबर जो रिंग है वो भी एरोमेटिक है, सिक्स मेंबर भी एरोमेटिक है। क्लियर। अब सिक्स जो मेंबर्ड है, जैसे मान के चलिए कि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जैसे पिरिडीन मान लीजिए, पिरिडीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ध्यान देंगे, ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे यहां पर नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। उसके उल्टा आप पायरोल देखिए, पायरोल फाइव मेंबर रिंग है, अब इसके पास यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये काउंट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स में, और ये भी एरोमेटिक होता है और यहां भी सिक्स पाई है। तो आप समझ जाइए, अगर ये हमारा जो है पिरिडीन है और ये हमारा पायरोल है, दोनों में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फाइव मेंबर रिंग है वो छोटा रिंग है एज कंपेयर टू सिक्स मेंबर रिंग। क्लियर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फाइव मेंबर रिंग इज हायर देन दी
सिक्स मेंबर्ड रिंग। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, उसी तरह से आप देखेंगे थायोफिन में। थायोफिन में देखो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां केवल एक लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, वही एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट करेगा, और यहां भी हमारे पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। उसके बाद फ्यूरान में भी जो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दोनों काउंट नहीं होते, केवल एक ही काउंट होता है, और यहां पर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं और ये भी एरोमेटिक होगा। तो ये तीनों फाइव मेंबर रिंग एरोमेटिक है, ठीक है, ये भी एरोमेटिक है, ओके, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिक्स मेंबर रिंग से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वॉल्यूम कम है, स्पेस कम है उसके पास, वहां सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में। क्लियर हो गई बात? नाउ इसी केस को कहते हैं एरोमेटिक सेक्स्टेट, व्हिच डिटरमाइंस द एरोमेटिसिटी अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। क्लियर, समझ गए? अभी क्या समझे हैं कि फाइव मेंबर्ड जो रिंग्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो रिपल्शन होगा, लेकिन दे रिडली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, हमारा ऑप्शन क्या ठीक होने वाला है? लेट्स सी, फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव हायर सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। ऐसा क्यों है पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने ऑप्शंस पे जाएंगे। देखिए हमारे पास पिरिडीन और ये हमारा पायरोल है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि जो एरोमेटिक होता है, जो एरोमेटिक होगा उसकी बेसिसिटी कम होगी, जो नॉन एरोमेटिक होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। दूसरी कंडीशन जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन वो लोकेटेड होगा, वो रिंग पर नहीं घूम रहा होगा, डीलोकलाइज नहीं होगा, तो वो ज्यादा बेसिक होगा, और जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो कम बेसिक होगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे टू गिव टू अदर मॉलिक्यूल। क्लियर, ओके। नाउ इन पायरोल द लोन पेयर ऑफ एन एटम इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द एरोमेटिक एरे। वही मैं समझाने वाला हूं। अभी पायरोल रिंग है, यहां पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, अभी हम पिछली स्लाइड में समझा है हमने, इसका जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां ये इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं और यहां पर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, देख लीजिए एरोमेटिक है। लेकिन ये बात समझनी है, पिरिडीन में नाइट्रोजन पर जो दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, ये काउंट नहीं होते, मतलब दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल इसमें भी दो दो चार दो छह पाई इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों एरोमेटिक हैं, ठीक है, लेकिन पिरिडीन पायरोल से ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि पायरोल में तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर है तो डीलोकलाइज होएंगे पूरे रिंग पर, लेकिन पिरिडीन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये डीलोकलाइज नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे? यही बात समझनी है। नाइट्रोजन, सबसे पहली बात समझ लीजिए, जहां नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन से मतलब वो दो सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा, वहां पर जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एरोमेटिसिटी को और वो लोकलाइज रहेगा। क्लियर? अब कैसे रहेगा वो भी समझिए, जो यहां नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना, वो ये जो हमारा प्लेनर रिंग है पिरिडीन का, उसके प्लेन में ही होता है। देखिए इस तरह से प्लेन में ही होता है, और डीलोकलाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना वो मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के पास, ये ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, ये कैसे हैं? ऐसे हैं प्लेन में, सेम प्लेन में, तो ये डीलोकलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन पायरोल के केस में क्या है, यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे हैं, ये तो हुआ प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये यहां पर परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। गॉट इट? समझ गए? इसका मतलब है कि पिरिडीन इज मोर बेसिक देन
पाइरोल। क्यों? क्योंकि प्रीडीन में इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोकेटेड हैं, क्लियर, डीलोकलाइज नहीं होंगे रिंग पर, गॉट इट। चलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, आप समझ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इन पिरिडीन इज लोकलाइज्ड, क्लियर, और पायरोल में लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज हो रहे हैं, पूरी रिंग पे घूमते रहेंगे, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डील्स एल्डर रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मोस्ट रीडली। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके पास हैं, इसमें बताना है कि कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत अच्छे से डील्स एल्डर रिएक्शन देता है। ऑप्शन पायरोल, थायोफिन, फ्यूरान एंड पिरिडीन। पहले समझ लेते हैं और वहीं से आप अपने आप मुझे आंसर बताएंगे कि सर ये इसका आंसर है। डील्स एल्डर रिएक्शन फॉर हेट्रोसाइकल्स दैट फ्यूरान अंडरगोज, ध्यान देंगे, फ्यूरान अंडरगोज डील्स एल्डर रिएक्शन व्हाइल पायरोल, पिरिडीन एंड थायोफिन डज नॉट अंडरगो डील्स एल्डर रिएक्शन। तो यहां से आपको आंसर मिल ही गया होगा। कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं। यहां पर देखिए ये पायरोल रिंग है, कैसा दिख रहा है आपको? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ये कुछ ऐसे है, ठीक है, इसको ऐसे करके दिया हुआ है, इसको ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक है, एनहाइड्राइड वाली जो है। अब क्या कर रहे हैं, ये सीधा साइक्लो एडिशन हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा डील्स एल्डर प्रोडक्ट, क्लियर। सो होने वाला क्या है, सिंपली के ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ओके, और ये बॉन्ड यहां जाएगा, क्लियर। देख लीजिए आप ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स, क्लियर, साइक्लाइजेशन हो गया है, साइक्लो एडिशन हो गया है, ओके। तो अभी आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर फ्यूरान होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अरेंज द फॉलोइंग लीविंग ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लीविंग कैपेसिटी। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शंस अरेंज द फॉलोइंग लीविंग ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लीविंग कैपेसिटी। सो समझिए पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास आर एक्स है, कोई न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, वो यहां से अटैक करेगा, ये यहां जाएगा, तो इस जाने वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जाने वाले ग्रुप को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप, एक्स नेगेटिव इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। यहां पूछा गया है कि इनमें से चारों में से कौन सबसे जल्दी लीव होता है और कौन सबसे देर में लीव होता है, यानी कि चारों को अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लियर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कितनी जल्दी लीव करता है, पहले समझेंगे उसके बाद आप ही आंसर बताएंगे। चलिए, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लार्जर द लीविंग ग्रुप फास्टर इज द रिएक्शन, ध्यान देंगे, पहला पॉइंट नोट कर लेंगे, बिकॉज द लीविंग ग्रुप विल बी इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके, अ स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप नीड्स टू लीव so that the leaving group bond breaks faster, okay? तो यहां पर order of leaving group क्या बन जाता है हमारा, ब्रोसिन, मिसाइल, क्लोरो एंड हाइड्रोक्सिल। समझना है कि ये order कैसे है, clear? तो पहले ध्यान देंगे ये order क्या है और ब्रोसिल, मिसाइल ये group क्या है। तो ये हमारे पास alkyl sulfonate है, तो alkyl sulfonate में यहां पर ये जो ग्रुप हमारे पास है, इधर ये ग्रुप हमारे पास बनाता है, देखिए अगर R1 की जगह पर हमारे पास ये पैरा ब्रोमो फिनाइल ग्रुप आ रहा है और S डबल बॉन्ड O इस तरह से ग्रुप बन रहा है, तो इसको हम ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोसिल ग्रुप, क्या कहते हैं इसको, ब्रोसिल, क्लियर। और अगर मिसाइल ग्रुप किसको कहेंगे, दिस, अगर यहां CH3 ग्रुप आ जाए, मतलब ये जो है इसको हटके अगर यहां मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे मिसाइल ग्रुप। उसके बाद Cl आपको पता है, OH भी आपको पता है, क्लियर। अब ध्यान देना है ये जो ग्रुप है हमारे पास चारों, यहां पर जो ब्रोसिल ग्रुप है बड़ा ग्रुप है और बड़े ग्रुप के बारे में मैंने बताया वो जल्दी रिलीव करता है, तो
ये बहुत जल्दी लीव करेगा, उसके बाद ये ग्रुप आया और उसके बाद ये ग्रुप आया, तो ये हमारी सीक्वेंस हो जाती है। पहले आएगा ब्रोसिल, फिर मिसाइल, फिर क्लोरो, फिर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस आई कैसे? ठीक है, बड़ा साइज है, जल्दी रिलीव हो जाएगा, ध्यान देंगे। ये इनके पीके ए वैल्यू के हिसाब से अरेंज किया जाता है। पीके ए वैल्यू बढ़ेगा, पीके ए वैल्यू बढ़ेगा तो लीविंग टेंडेंसी घटेगी और उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो पीके ए बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, क्लियर। एंड ध्यान देंगे, लीविंग टेंडेंसी क्या करेगी? घटेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज नीचे की तरफ, नोट कर लेंगे, क्लियर। अब पीके कहां से आया? इनके कोरस्पॉन्डिंग एसिड से इनका पीके फाइंड किया गया है, ठीक है, गॉट इट। चले, अब इस ग्रुप में जो चारों मैंने अरेंज कर रहे हैं, इसमें जो OH नेगेटिव है सबसे बढ़िया बेस होगा और जो ब्रोसिल ग्रुप है ये सबसे पुअर बेस होगा, लेकिन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। गॉट इट, क्लियर। चले, अब आप समझ गए हैं, अब अपने आप आंसर बताइए। और सीक्वेंस हमारे पास पहला ब्रोसिल, फिर मिसाइल, फिर हमारे पास क्या आता है? क्लोरो, और फिर आता है हाइड्रोक्सिल। तो बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग, क्या करना है? असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन 2011 में, एक्चुअली दैट टाइम 150 क्वेश्चंस दे केम इन द एग्जाम, और 2010 में भी 150 क्वेश्चंस है, अभी तो 125 क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। यहां पर आप देखेंगे असर्शन आपको दिया है, क्वार्टरनरी अमोनियम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कैन एनहांस द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बाईफेजिक सिस्टम्स विद वाटर सॉल्युबल न्यूक्लियोफाइल्स। रीजन क्या है? क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड आर हाईली पोलर पॉजिटिवली चार्ज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, क्या ये इसका रीजन है? पहले आप क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है, पहले उसके बारे में समझेंगे। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट और पीटीसी इज अ कैटलिस्ट दैट फैसिलिटेट्स माइग्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज इनटू अनदर फेज वेयर रिएक्शन अकर्स, क्लियर। एक फेज से दूसरी फेज में कैटलिस्ट अगर रिएक्टेंट को भेज रहा है तो वो हमारे पास फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होता है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इज नेम्ड एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, क्यों? द कैटालिसिस टेक्स प्लेस बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, क्लियर। तो ये न्यूक्लियोफाइल को ट्रांसफर कर देता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। इट एनहांसेस द रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन इन द बाईफेजिक सिस्टम विद वाटर सॉल्युबल न्यूक्लियोफाइल दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन नाइट्रोजन एटम बेयरिंग अबाउट द मॉलिक्यूल हाईली पोलर, देयरफॉर बीइंग हाईली वाटर सॉल्यूट इट कम्स वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। पहले आपको मैं बता देता हूं कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट कैसे दिखता है। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ऐसे दिखेगा, R4 इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और यहां पर ये Br नेगेटिव, ये हमारा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा जो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को दूसरी फेज में डाल देगा। किसी में वो सॉल्युबल है, जैसे वाटर में कोई न्यूक्लियोफाइल सॉल्युबल है तो उसको इनसॉल्युबल वाले में या इनसॉल्युबल से सॉल्युबल वाले फेज में डाल देगा, क्लियर। सो अभी यहां से क्या समझे आप, यहां पर देखेंगे कि दोनों ही बात सही है कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ट्रांसफर कर देता है न्यूक्लियोफाइल को और एनहांसेस द न्यूक्लियोफिलिक
एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस भी जो है करता है, हाईली पोलर होता है ये, और पॉजिटिवली चार्ज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड भी है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। कैसे सॉल्युबल हो जाता है? जब ये आयनिक नेचर है तो सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे R4N+Cl नेगेटिव, ये आयनिक सॉलिड की तरह से बिहेव करता है, वाटर में डालेंगे तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, तो वाटर सॉल्युबल है, हाईली पोलर भी है और फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट भी है, तो दोनों ही बात सही है, तो हमारे पास बी ऑप्शन यहां ठीक होने वाला है। ए एंड बी मतलब यानी कि हमारे पास ए और आर दोनों चीजें ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, और आर जो रीजन दिया है फर्स्ट असर्शन का वो भी ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक आपको दिया हुआ है, प्लस 0.337 फॉर कॉपर दिया हुआ है एंड माइनस 0.763 दिया हुआ है जिंक के लिए रेस्पेक्टिवली। इफ द हाफ सेल्स ऑफ द बोथ दीज मेटल्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली विद ईच अदर थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट एंड अ सॉल्ट ब्रिज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। चार ऑप्शन है, मेटल इलेक्ट्रोड विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, या कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, या बोथ मेटल विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, या बोथ टाइप ऑफ आयंस विल स्टार्ट डिपोजिटिंग ऑन देयर इलेक्ट्रोड्स। चार ऑप्शन है। पहले आप समझेंगे, यहां पर जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई है, गैल्वेनिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर यूज हो रहा है सॉल्ट ब्रिज, जिसका काम क्या होता है, सर्किट कंप्लीट करना होता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना उसका काम होता है, यानी कि दोनों तरफ जो चार्जेस हैं हाफ सेल्स में उनको बनाए रखता है, बैलेंस में रखता है। क्लियर? चलिए पहले समझते हैं उसके बाद समझेंगे। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया है, आप देखेंगे ये सॉल्ट ब्रिज है, और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है जिलेटिन अगर अगर के साथ में मिक्स करके वो जो है इसमें पेस्ट भरा होता है, और ये दोनों मीडियम को जोड़ने का काम कर रहा होता है। ZnSO4 जो सॉल्यूशन होता है वो व्हाइट होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, और यहां पर जो है CuSO4 ब्लू होता है। तो यहां पर देखेंगे ये एनोड है जो नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? अब कैथोड पर क्या होता है, यहां से जिंक क्या करता है, ये जो जिंक यहां है ये क्या करेगा, ये यहां से निकलेगा, और निकलने के बाद यहां +2 आयन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे यहीं पर, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे यहां, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है। आप देखें लेकिन वोल्टमीटर में पॉइंटर इधर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट इधर बहता है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, अब देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां सिंक कर जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके पास, और यहां पर CU के पास Cu2+ आयंस है, वो क्या करेगा, वो यहां डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि यहां पर ये जो है देखिए इस तरह से कॉपर जमा हो जाएगा। क्लियर? और यहां से ये जो है कटना शुरू हो जाएगा, ये यहां से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहां से अभी आपको ऑप्शन आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है। आप करेंगे कि जिंक यहां डिसॉल्व होता रहता है और कॉपर पर इलेक्ट्रोड पर कॉपर जमा होता रहता है। क्यों? क्योंकि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक होता है, और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन होता है। और यहां पर सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक Zn2+ में एनोड हाफ सेल बन गई, और उसके बाद ये जो इक्वल का साइन लगाते हैं ये हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, और उसके बाद कॉपर आयन कॉपर में बदला, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में आया है, तो ये यहां पर रिडक्शन है और यहां पर ऑक्सीडेशन है। क्लियर? गॉट इट? अब आप ही आंसर बताएंगे। चलिए, तो इसका मतलब जिंक मेटल इलेक्ट्रोड विल स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड कॉपर स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन एन ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड अ काइरल कार्बन हैज द फॉलोइंग अटैच्ड ग्रुप यूजिंग सीक्वेंस रूल. ये कहता है एक कार्बन के चार जो ग्रुप है ना वो ये वाले ग्रुप हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि सीक्वेंस रूलिंग के हिसाब से प्रायोरिटी किस किस ग्रुप की क्या क्या प्रायोरिटी होगी, पहले कौन सा ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से. ठीक है, सो पहले आप समझेंगे कि सीक्वेंस रूल क्या है, पहले उस पर वर्क करते हैं फिर यहां पर पहुंचते हैं. तो सीक्वेंस रूल क्या है, किसने दिया, उसके बारे में जानने वाले हैं. फॉलोइंग आर द सीक्वेंस रूल्स ऑफ कैन इन लोग कान इन गोल्ड प्रीलॉग, दिस इज सीआईपी रूल. सीआईपी रूल क्या है पहले समझेंगे. सीआईपी रूल क्या है, आरएस नोमेनक्लेचर के लिए होता है. क्या कहता है सीआईपी रूल, सिंपली ये कहता है कि प्रायोरिटी उस ग्रुप को देंगे जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला एटम होगा, अगर ग्रुप है तो. अगर कोई सिंपली एटम ही है तो वहां पर सीधा उसी का एटॉमिक नंबर लेंगे. सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं. तो कार्बन के पास आप देखें चार डिफरेंट ग्रुप हैं, ये चार डिफरेंट ग्रुप हैं, जैसे एफ सी एल बी आर आई, चार डिफरेंट ग्रुप मान लीजिए. अब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर तो आई का ही है, उससे कम बी आर का है, उससे कम सी एल का है, उससे कम एफ का है, तो ये हो गया ऐसे. ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया ऐसे, मतलब घड़ी की रोटेशन वाली साइड है, यानी कि ये क्लॉकवाइज हो गया. ठीक है, और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लॉकवाइज के लिए हम यूज करते हैं आर कॉन्फिगरेशन. क्या यूज करते हैं, आर कॉन्फिगरेशन. और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करते हैं, हम एस कॉन्फिगरेशन करते हैं. क्लियर. ठीक, इसी तरह से हमें सीआईपी रूल के हिसाब से इन सभी को अरेंज करना है, सभी ग्रुप्स को. तो देखते हैं कैसे अरेंज कर पाएंगे. क्लियर, तो अभी यहां पर सपोज कार्बन के चारों तरफ ये चार ग्रुप लग गए, चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देंगे जिस ग्रुप जो ग्रुप जो कार्बन या कोई भी एटम जो अटैच होता है पहले उसका एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो इधर आ गया COCH3, इधर आ गया COH. तो देखेंगे, ध्यान देंगे, कार्बन के पास हमारे पास इधर आ गया है COCH3, ठीक है, इधर आ गया COOH, इधर आ गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, इधर ले लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये चारों ग्रुप मैंने लगा दिए. ठीक, पहले हम देखेंगे, आप देखेंगे तो चार साल सभी फर्स्ट जो एटम सभी कार्बन ही है, तो हम क्या करते हैं फिर सेकंड एटम पर चलते हैं. तो आप देखेंगे यहां पर सी, इसको देखेंगे तो सी के बाद ओ है, यहां सी के बाद एच है, यहां सी के बाद फिर सी है, ओके, यहां सी के बाद भी सी है. तो ध्यान देंगे यहां पर देखो इन दोनों में क्लियर कट है कि यहां पर हम जो प्रेफर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं. ध्यान देंगे, बस समझेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है तीन सी को काउंट करेंगे, तीन सी लेंगे. ठीक है, उसके बाद यहां पर दो कार्बन है तो दो सी लेंगे, तो यहां पर ज्यादा सी हो जाएंगे, तो इसलिए यहां पर हमारा इसको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड. अब दो का केस रह गया हमारा, इन दोनों में किसको देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर. तो यहां सबसे पहले यहां कार्बन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, देखिए यहां भी कार्बन है फिर ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है. इसलिए अगर पहले दोनों एटम सेम है तो अगले पे चलो, अगले दोनों सेम है तो उससे अगले पे चलो. तो यहां पर फर्स्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, सीओएच ग्रुप को, उसके बाद किसको मिलना चाहिए, OCH3 ग्रुप को, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप. फिर किसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए. फिर किसको मिलना चाहिए, फिर फोर्थ नंबर इसको मिलना चाहिए. क्लियर, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, सबसे पहला नंबर किसको देंगे, क्यू को, फिर किसको देंगे, पी को, फिर किसको देंगे, एस को, फिर किसको देंगे, आर को. तो आप समझ गए, क्यू
पी एस आर, यही हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करिए क्यू पी एस आर. यस वी वर्कड आउट दिस एंड नाउ आवर आंसर इज क्यू पी एस आर, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप सीओएच ग्रुप को देने वाले हैं. क्लियर? तो सीआईपी रूल समझ गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स यहां दिए हुए हैं आपको, जिसमें कंफर्मेशनल आइसोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड व्हाइल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड. पहला पॉइंट आपको दिया है, क्यू ऑप्शन आपको दिया है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कुड बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव व्हाइल कंफर्मेशनल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. दूसरा है जो मतलब थर्ड ऑप्शन आपके पास है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात हुई है. ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स. करना क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट फाइंड करना है. ऑप्शंस हमारे पास है, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, ये हमें ऑप्शन फाइंड करने हैं. क्लियर? तो पहले समझ लेंगे उसके बाद आगे चलेंगे. समझ लेते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स आर आइसोमर्स विच हैव सेम पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग बट विद एटम्स अरेंज्ड डिफरेंटली इन स्पेस, उनको हम स्टीरियोमर्स कहते हैं. ठीक है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू कंफर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स. तो समझेंगे पहले कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर क्या है. कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द एसिमेट्रिक सेंटर. यहां पर यानी कि एसिमेट्रिक सेंटर होना जरूरी है, जिसको हम कायरल कार्बन कहते हैं. उसके बाद ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ द कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स. ओके, नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर. ये तो बात ठीक है. यहां पर जो आपको एक्सप्लेन किया है कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर के बारे में, तो वहां पर आपको बताया है कि इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन. और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डबल बॉन्ड होना जरूरी है. सो कंफर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं, कंफर्मेशनल आइसोमर डिनोट्स एनी वन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट अराइज फ्रॉम रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड. ओके, उसको क्या कहते हैं हम, कंफर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं. एंड दीज आर इंटरकन्वर्टेबल बाय रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड. क्लियर? समझ लेंगे थोड़ा सा. मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपने पढ़ा है जैसे इथेन का ये कंफर्मेशन आपने पढ़ा है. यहां पर क्या है, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कंफर्मेशंस. तो क्या करते हैं, एक को होल्ड करके दूसरे को रोटेट करते हैं, उसको होल्ड करके इसको रोटेट करते हैं. ठीक है, और जो कार्बन ऑब्जर्वर के पास होता है, एक कार्बन दूर होता है, दूर वाले को हम रोटेट करते हैं और वहां स्पेशल में अरेंजमेंट चेंज होता रहता है, केवल एक साइड का, एक कार्बन का के चारों तरफ जो ग्रुप है. क्लियर? तो वो होता है कन्फर्मेशनल. जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बोट चेयर कन्फर्मेशन, हाफ चेयर एंड यू नो ट्विस्टेड बोट, जो भी आपने पढ़ा है. ठीक है, तो वो अब यहां इस स्लाइड से आपको समझ में आ गया होगा. और अभी हम अपने आंसर की तरफ चल रहे हैं. चलिए, तो हमारा आंसर होगा यहां से आर पी एस तो ट्रू है और क्यू फॉल्स है. तो क्यू क्या है, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, कुड बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाइल कंफर्मेशनल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, तो कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स आपको बताया है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव हो सकते हैं. ये बात गलत है, Q is false. ठीक है, R P S, R हमारा है geometrical isomers have double bond, ये तो बात सही है. फिर geometrical and optical isomers are two distinct categories of
कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स, ये भी बात ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं हम हमारे जो एक्सप्लेनेशन के बेस पर, पी भी ठीक है, यानी कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आर इंटरकन्वर्टिबल बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। व्हाई? व्हाइल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टिबल विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। तो बात सही है, क्लियर? ओके, ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्बोकैटायन विल नॉट शो वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कार्बोकैटायन क्या शो नहीं करता है? तो पहले देख लेते हैं कार्बोकैटायन क्या है और क्या शो करता है, क्या नहीं करता है। कार्बोकैटायन इज अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो क्या करता है? सीधा सा हमारे पास ये कार्बोकैटायन है भाई, और ये कार्बोकैटायन क्या करता है? ये कार्बोकैटायन को तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए, न्यूक्लियोफाइल की जगह पर जैसे सपोज OH नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, कोई भी आएगा तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। तो ऑप्शंस क्या हैं एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू गिव कार्बीन, यह भी पूछा है नॉट शो, जो शो नहीं करता। क्या कार्बीन बनाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके? सोचिए, तब तक मैं बाकी रीड आउट करता हूं। अब देखेंगे बी पॉइंट को समझ लेंगे, एलिमिनेट करता है प्रोटॉन को, कैसे करता है ध्यान देंगे। अगर सपोज हमारे पास ये कोई कार्बोकैटायन है, ठीक है, यहां एच है, यहां एच है, यहां ये एच है, तो ये कार्बोकैटायन क्या कर सकता है? ये कार्बोकैटायन कर सकता है कि भाई ये बॉन्ड यहां चला जाए तो, और ये एच आयन निकल जाए। तो सेकेंड पॉइंट को कहा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, तो यहां से एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन हो जाए। देखिए आप, प्रोटोन निकल गया और यहां क्या बना, यहां पे बन गया आपका एल्कीन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन हम कर चुके हैं करेक्ट। फिर है एब्स्ट्रैक्ट हाइड्राइड, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्राइड आयन को? यस, कर सकता है। अब जब ये कार्बोकैटायन कोई सपोज NaH आ गया, सोडियम हाइड्राइड आ गया और H नेगेटिव आ गया, अगर वो यहां आके अटैक कर जाएगा तो क्या होगा? एल्कीन ही तो बनेगा। तो थर्ड पॉइंट भी सही है, तो गलत कौन सा है? गलत है फर्स्ट पॉइंट। गलत कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट। कार्बीन बनता है, क्या होता है कार्बीन? कार्बीन होता है CCl2 और इस तरह से, ठीक है। ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है जिसके पास अलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कार्बीन होता है। तो ये तो नहीं बनता है, तो यही हमारे पास क्या है, नॉट शो, यानी कि यही हमारे पास गलत ऑप्शन यहां पर है, ठीक है। गलत से मतलब जो यहां कार्बोकैटायन शो नहीं करता, वो ये शो नहीं करता, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, करने के बाद कार्बिन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो यहां ही पर ये कार्बोकैटायन विल नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां आपके पास असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, देखिए, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड बोथ अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। व्हाइल एसिटाल्डिहाइड एंड फिनाइल एसिटाल्डिहाइड अंडरगो एलोल कंडेंसेशन। क्लियर? रीजन दिया है इसका, एल्डिहाइड्स कैन अंडरगो बोथ कैनिजारो एज वेल एज एलोल कंडेंसेशन, व्हाइल कीटोन्स अंडरगो ओनली कैनिजारो रिएक्शन। पहले समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे ऑप्शन की तरफ। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझ लेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन डिफाइंड एज दी एज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विद अ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कुछ इट लुक्स लाइक दिस। एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, उसके बाद इसका डिहाइड्रेशन होकर ब्यूटेनॉल बना, ठीक है। ये हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ये रिवर्सिबल चेंज है। दूसरा, एडिशन रिएक्शन विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर, विद और विदाउट वाटर के रिएक्शन हो रहा है। न्यू कार्बन टू कार्बन लिंकेज सेटअप, कार्बन कार्बन के बीच में न्यू सेटअप होता है। फिर The aldol formed easily eliminate water to form unsaturated compound, जैसे लास्ट में हमारे पास बना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज द रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्फा हाइड्रोजन. क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? ध्यान देंगे CH3CHO हमारे पास है. इस ग्रुप पे से जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है. इसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है और वो एसिडिक होता है. क्या क्यों होता है एसिडिक? क्योंकि यहां पर जो CO ग्रुप होता है इस तरह से CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये जब विड्रॉ करेगा तो इसका प्रोटॉन बहुत जल्दी रिलीज होगा. ठीक है. नाउ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द कार्बोनिल कंपाउंड सच एज फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस. इसका मतलब आपको क्लियर हो गया, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. कैसे नहीं है समझ लेंगे. ये होता है HCHO. बताओ अब यहां हाइड्रोजन यहां कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं होगा. उसके बाद बेंजल्डिहाइड देखेंगे, तो बेंजल्डिहाइड में आप देखिए ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता है यहां पर, तो इसके बाद भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. क्लियर? ओके अब समझ लेंगे हमारे पास कैनेजारो रिएक्शन के बारे में. तो कैनेजारो रिएक्शन नो अल्फा हाइड्रोजन अगर है कार्बोनिल कंपाउंड में सच एज फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड तो एल्डोल कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस, बट वहां क्या होता है कैनेजारो कंडेंसेशन कैनेजारो रिएक्शन होता है. तो यहां पर बेंजल्डिहाइड और एक और बेंजल्डिहाइड दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है, कंडेंसेशन होता है और यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं. एक तो यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट बन गया और दूसरा हमारे पास बनता है बेंजाइल अल्कोहल. यानी कि हमारे पास यहां दो प्रोडक्ट बनते हैं. वो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड बना, उसके बाद डिहाइड्रेशन करके इनल बना है. ठीक है. लेकिन यहां पर एक तो सॉल्ट बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है. अब ये आपको कहने जा रहा हूं एल्डोल के बारे में आप समझ गए हैं. अब आप खुद से सेलेक्ट करें और सोचें कि क्या हमारा ऑप्शन है. राइट करेक्ट आंसर हमारे पास है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. आर गलत है, ए ट्रू है. ए तो ट्रू ही है डेफिनेटली. फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड अंडरगो कैनेजारो रिएक्शन व्हाइल एसिटाल्डिहाइड एंड फिनाइल एसिटाल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. बात सही है क्योंकि एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और यहां पे फिनाइल एसिटाल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा. लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? रीजन क्या दिया है इसका? एल्डिहाइड्स कैन अंडरगो बोथ कैनेजारो एंड एल्डोल. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो स्पेसिफाई है कि जो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल करेगा और जिसके पास नहीं होगा वो कैनेजारो करेगा. क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर E2 मैकेनिज्म इन एलिमिनेशन रिएक्शन. एक बात इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि 2011 में फॉल्स और रॉन्ग वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट बताइए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बताइए, सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव. तो फॉल्स स्टेटमेंट देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए. क्या है? द रिएक्शंस आर एकम्पेन्ड बाय रीअरेंजमेंट. क्या उसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है E2 मैकेनिज्म में? E2 क्या होता है? ये बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक ही स्टेप में हो जाता है. बाकी और ऑप्शन देखते हैं यहां पर. दीज रिएक्शन शो अ लार्ज हाइड्रोजन आइसोटोप इफेक्ट. यस, लार्ज हाइड्रोजन आइसोटोप इफेक्ट दिखाता है क्योंकि अगर वहां पर ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली वहां पर एलिमिनेशन रूल को फॉलो करने वाला है और यहां पर वही हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है जो एंटी पोजीशन पर होता है. तो दीज रिएक्शंस शो अ लार्ज एलिमेंट इफेक्ट. यस, शो करता है. दीज रिएक्शंस आर नॉट एकम्पेन्ड बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज. हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं होता है. ठीक है, चले अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं. फॉलोइंग एविडेंसेस ऑफ E2 दीज रिएक्शंस फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. नेक्स्ट इज नॉट एकम्पेन्ड बाय रीअरेंजमेंट. देखिए फर्स्ट पॉइंट ही आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर कि ये एकम्पेन्ड नॉट एकम्पेन्ड बाय रीअरेंजमेंट. इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता. यहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, मींस डिफरेंस इन रेट और पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू डिफरेंस इन आइसोटोप प्रेजेंट इन द रिएक्शन सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट इज दीज आर नॉट एकम्पेन्ड बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज. यस,
ट्रू है. सो दीज रिएक्शन शो अ लार्ज एलिमेंट इफेक्ट, यस ट्रू है. तो गलत क्या है, जो E2 के लिए गलत है वो फाइंड करना है. तो ऑप्शन क्या हुआ, द रिएक्शंस आर एकम्पेनड बाय रीअरेंजमेंट. ये बात गलत है, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता. रीअरेंजमेंट किसमें हो सकता है, इवन मैकेनिज्म में हो सकता है. ठीक है, इवन मैकेनिज्म में हो सकता है. क्यों, क्योंकि वहां पे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनता है तो वो रीअरेंज हो सकता है, और वो दो स्टेप में होता है. लेकिन E2 मैकेनिज्म तो सिंगल स्टेप में होता है, एक तरफ से हाइड्रोजन हटता है और एक तरफ से हैलोजन ग्रुप हटता है. क्लियर, तो एक ही स्टेप में हो जाता है, रीअरेंजमेंट का टाइम ही नहीं मिलता है. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर द केमिकल रिएक्शन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू. अब इसका मतलब डेल्टा जी का भी नेगेटिव वैल्यू है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, एंड इन एंट्रोपी द रिएक्शन हैज अ पॉजिटिव वैल्यू. अब डेल्टा एस आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है. क्लियर, बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर. सो पहले आप समझेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे और कौन सी इक्वेशन को फॉलो करने वाले हैं. तो पहले समझेंगे उसके बाद ऑप्शन देखेंगे. चलिए, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में यहां पर एंथैल्पी एंड एंट्रोपी कैन बी कंबाइंड टू प्रेडिक्ट रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी. कैसे करते हैं, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. क्लियर, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है ये, जिससे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होती है, स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन की जा सकती है. यहां पर आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कंडीशन आएगी. क्लियर, अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, वहां पे क्या बताया है, वहां पे यही फर्स्ट ऑप्शन ही बताया हुआ है कि डेल्टा एच वहां नेगेटिव है, डेल्टा जी भी नेगेटिव है और एस पॉजिटिव दिखाया है. यानी कि ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा, आप समझ चुके हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए उसको भी समझ लें. डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान देंगे तब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. कंडीशन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे. नेक्स्ट, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी है, तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर होने वाली है. क्लियर, नेक्स्ट इज, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. अब समझ लेंगे एक बार, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा जी तो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, कंडीशन क्या है समझ लेंगे. अगर किसी भी रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, सबसे पहली बात है. अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ही स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. क्लियर, अभी आप देखिए ये वैल्यू रखो, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है, वो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता. ओके, इस तरह से यू कैन वर्क इट आउट. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, लेट्स सी, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस कब, जब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू किस किस के लिए होगी, डेल्टा जी के लिए, डेल्टा एच के लिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स. मैंने आपको कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें केवल फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, फॉर द एसोसिएटेड कोलॉइड या एसोसिएशन कोलॉइड्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है. क्लियर, ऑप्शन है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीफाइल्स, they contain aggregated molecules, they show partial solvation, they are also called micelles, associated colloids.
तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स आर माइक्रो हेटरोजीनियस सिस्टम इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्स फेज आर फॉर्म्ड बाय द एग्लोमरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्वड इन द डिस्पर्सन मीडियम। सिंपली मैं आपको बताऊं, जैसे आप सर्फ डिटर्जेंट और साबुन को जब हम पानी में डालते हैं तो वहां पर मिसल्स बनती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। सो द रेडियल एसोसिएशन ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मिसल। और सॉप मॉलिक्यूल की खास बात यह होती है कि इट इज हैविंग टू पार्ट्स, और ये वाला जो पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर से रिपेल होता है, और ये जो पार्ट होता है इधर ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्लियर? अब जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स रेडियली अरेंज हो जाते हैं तो हमारी मिसल बनती है। देखो ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या है, ये फैट है, मतलब ऑयल है जो कपड़ों पे लगा हुआ है, ऑयल डर्ट लगी हुई है। तो सारे मॉलिक्यूल ऐसे आ गए हैं, ठीक है। अभी ये जो डार्क हेड है, ये हेड हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ओके, अब इस मिसल में ये सारे जो हेड्स हैं ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्लियर? इसका मतलब ये सभी वाटर की तरफ हैं, और अभी मिसल बहुत ज्यादा सराउंडेड है, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है, बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। पॉइंट क्लियर है? और जो अंदर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो बाहर की तरफ नहीं है, वो अंदर की तरफ है, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक है। क्लियर? ओके, तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एसोसिएटेड कोलाइड मतलब मिसल है, एग्रीगेटेड सॉप मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या है, एक वर्ड आया हुआ है यहां पे, एम्फीफाइल। यस, एम्फीफाइल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एक एंड हाइड्रोफोबिक और एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है, वो मॉलिक्यूल एम्फीफाइल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिसल के अंदर एम्फीफाइल भी होता है, एग्रीगेटेड भी है और मिसल भी बनाता है। लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, दे शो पार्शियल सॉल्वेशन। क्या पार्शियल सॉल्वेशन देगा, यही तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मिसल का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो वाटर की तरफ है, तो मिसल तो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होता है, और यहां पे दिया हुआ है पार्शियल सॉल्वेशन, वहां तो बहुत ज्यादा हाईली सॉल्वेटेड होता है मिसल। अभी मैंने आपको दिखाया ऑप्शन है पार्शियल सॉल्वेशन, तो यही पॉइंट, यही ऑप्शन गलत ऑप्शन जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सी, आपको आज इंटरेस्ट आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन सर ऐसे ही हैं, नॉट ट्रू वाले या फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो 2011 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं। नॉट ट्रू फॉर स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन के लिए क्या ट्रू नहीं है, तो पहले समझ लेंगे कि स्टीम डिस्टिलेशन है क्या। स्टीम डिस्टिलेशन, द लिक्विड्स इनसॉल्युबल इन वॉटर, ध्यान देंगे, द लिक्विड्स इनसॉल्युबल इन वॉटर, स्टीम वॉलेटाइल इन नेचर, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई वेपर प्रेशर आर प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, यानी कि लिक्विड इनसॉल्युबल इन वॉटर, सबसे पहले बात है कि जो लिक्विड को हम वहां अलग करने वाले हैं वो इनसॉल्युबल इन वॉटर होना चाहिए, ठीक है, स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। बस यही प्रॉपर्टीज काफी है समझने के लिए। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, आपको दिया हुआ इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। यस ऑफकोर्स, इसको डिफरेंशियल डिस्टिलेशन कहते हैं। इट कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ये अभी हमने पॉइंट पढ़ा है, ये भी पॉइंट ठीक है, तो ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट इज इट कैन बी अप्लाइड फॉर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, यस अभी अभी पढ़ा है, ये भी ठीक है, तो गलत ऑप्शन पूछना है, नॉट ट्रू कौन सा है, डी ही ऑप्शन
इनकरेक्ट होगा. इट कैन बी यूज फॉर सेपरेशन फॉर मिसिबल लिक्विड्स. क्लियर. डी ऑप्शन गलत है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर टू अ टॉक्सिक कंपाउंड. उसको आइडेंटिफाई करना है. CH2Cl2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड, COCl2 इसको कहते हैं फोसजीन गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है या CCl4 बनाता है. ठीक है, पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होता है. चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ CHCl3 गिव्स पॉइजनस गैस कॉल्ड फोसजीन. तो अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा आपका आंसर क्या है. कार्बोनिल क्लोराइड. ठीक है, नाउ CHCl3 O2 से ऑक्सीडाइज होकर 2COCl2 और 2HCl बनाता है. ध्यान रखेंगे, इसीलिए जो CHCl3 को डार्क कलर्ड बॉटल्स में और सनलाइट से दूर, एयर से दूर टाइट करके जार में या बॉटल में रखा जाता है, क्योंकि ये एक पॉइजनस गैस बनाता है जिसको हम फोसजीन कहते हैं, COCl2. ओके, नाउ कार्बोनिल क्लोराइड कहेंगे इसको. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ऑटो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करें. हम यूज करते हैं 1% एथेनॉल, जो यहां नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है. यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है. क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेगेटिव कैटलिस्ट कौन सा है, कौन सा नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है जो यूज होता है जो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म को रोकेगा. सो अभी आपको अपना ऑप्शन क्लियर भी हो गया होगा, CaCl2 कार्बोनिल क्लोराइड. ठीक है, COCl2 फोसजीन भी कहते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफॉर्म के मिलता है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ 2011. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन केम इन 2011, 19 क्वेश्चन. व्हाट आई पिक्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं. और सबसे खास बात रही यहां ये रही है कि इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स क्या है, क्या गलत है, मतलब नेगेटिव इस तरह से वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 में. एक दो और ईयर में आया हुआ है, लेकिन 11 में सबसे ज्यादा. दूसरी बात, अभी 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 150 आते थे 10 में 11 में. ठीक है, सो I hope all my explanation of all these questions will be, you know, helpful for you to achieve your goal and to hit the jackpot. Thank you.